हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय सेल्फ प्रियांशी। अरे मेरे होंठ कितने गंदे हो रहे हैं, मैं देखना खुल नहीं रहे पूरे अच्छे से। वो लगा मैंने, देखना। हाँ, तो एक्चुअली मैं एलर्जिक हूँ बहुत ज्यादा। मेरे लिप्स का मैटर बहुत टाइम से फंसा हुआ है। मैं कुछ भी, मतलब थोड़ा सा भी सलाइवा अगर लगा लेती हूँ तो वो ड्राइनेस स्टार्ट हो जाता है। सो लीव दैट। हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं? इतना टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, व्लॉग नहीं कर रही थी। आई वॉज क्वाइट बिजी भी थी और थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था। सो दैट्स वाई आई डिडंट शूट एनी व्लॉग वीडियो। आप बताओ आप सब लोग कैसे हो? और एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने कलर कराया है बालों में, ठीक है। कलर तो इज़ लुकिंग क्वाइट गुड, बट जो मेरा होली का कलर है, एक्चुअली मेरे बालों से होली का कलर ही नहीं निकला अभी तक। ये जो आपके बीच में रेडिश आ रहा है ना, आई हेट रेड। मतलब मेरे फेस पे तो रेड बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आई लाइक दिस ब्लॉन्ड और एश बेज कलर। तो ये जो है ना, ये रेडिश, इसको मैं निकलवाऊंगी। मतलब मम्मी ने निकालने की पूरा ट्राई किया, शी गेव हर बेस्ट, बट अभी तक ये निकला नहीं है। तो अभी आज हमें कलर कटर से इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो वो सब करेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है इधर से, बाकी अदरवाइज इधर से काफी अच्छा है। तो अभी हो रहे हैं अराउंड 9:40 या 45 समथिंग, और अभी मैं और पापा जाएंगे एक कलर कटर लेके आने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं करूंगी स्टार्ट ये, और आज मेरी नाइट ड्यूटी स्टार्ट है। अभी ओवर टाइम से ही थोड़ा, प्लस ये काम भी कराना है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। इट टुक अराउंड 3 to 4 hours yesterday जब हमने कराया। तो अभी मुझे कराना पड़ेगा। और एक चीज और दिखा, लिप बाम लगा ली। लिप बाम के बाद सही लग रहा है। मीट माय मम्मा। कल बिचारी ने बहुत मेहनत की बट फिर भी नहीं हो पाया। मतलब ये कलर नहीं निकला, कहने का मतलब ये है। बहुत ट्राई भी किया फिर भी नहीं निकला। और मैं आपको अपने शूज दिखा रही थी, कल मैं शूज लेके आई अपने ड्यूटी वाले, वो खराब हो गए थे, फट गए थे। इसको बुलाना ही नहीं चाहिए। तो मैं शूज लेकर आई थी, ये नॉर्मल से पर अच्छे हैं, कलर अच्छा है। ये मुंह पे और लग गया। तो ये मेरे शूज, ये मैं लेकर आई थी कल, मम्मी ने दिलाए थे। और अब मैं कलर कराऊंगी, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। हम लोगों ने ना कल रात को, मतलब मैंने ऐसे कर दिया था जैसे मैं अभी रो जाऊंगी। मैं ट्राई कर रही हूँ ब्लिंकिट पे आ जाए। ब्लिंकिट पे कभी कलर थोड़ी आएगा, मतलब वो वाला नहीं आ रहा था जो हमें चाहिए। लॉरियल का मैजरल वो आ ही नहीं रहा था। अभी मम्मी करेंगी। मम्मी मंगा लो, अब तो टाइम हो गया। एक मिनट, वो कार्ड होगा फोन उसमें, बैग में मेरे। तो अब मैं बाद में मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है, बाय। सो गाइस, ये वाले शूज़ हैं जो मैं लेकर आई हूँ, आप लोगों ने देख लिए। मतलब अच्छे लग रहे थे और प्राइस भी बहुत नॉर्मल का है, बट ड्यूटी के लिए अच्छे हैं। मैंने सोचा यही वाले स्पार्क्स के, तो ये ले लिए मैंने। और अभी मैं मम्मी से कलर कराऊंगी अपना। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से इनएक्टिव थी यूट्यूब पे, तो मम्मी ने कहा आज व्लॉग बना ले। और मीट माय छुटकू पिंची, से हाय टू ऑल। हेलो, हरे कृष्णा, हाउ आर यू? वेरी गुड मतरू। और देखो मैं लाइट में दिखाती हूँ अपना कलर, सो ब्राइट। पीछे देखो, वैसे मुझे यही कलर चाहिए था, बट जो पिंक आ रहा है ना वो थोड़ा कटा नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ है। और इस कलर के साथ ना थोड़ा सा लिप शेड थोड़ा डार्क जाएगा। अब बात ये भी है, अब देखो जैसे पिंक आ रहा है ना, आई डोंट लाइक दिस पिंक बहुत ही गंदी वो दे रहा है मुझे, बहुत गंदा वाइब दे रहा है सच में। बाकी हॉस्पिटल में जूड़ा उड़ा बनेगा, उसके बाद थोड़ा ठीक लगेगा, मे भी हो सकता है। ऐसा कुछ दे रहा है, पूरी फिरंगी लग रही है, फिरंगी। मुझे टॉप अच्छा लग रहा है ना, आप लोग बताओ। तो मैं जाती हूँ अभी, कुछ करके आती हूँ, मतलब वो हेयर कटर जो है वो लेकर फिर आती हूँ। ठीक, तो गाइस मैं अभी पार्लर में अब नहा वाली थी, उसके बाद अब मैं ये जो जितना भी येलो है, अनवांटेड येलो, उसको हटवाऊंगी, और ये पिंक भी, फिर थोड़ा सा डार्क कलर करेंगे आगे, क्योंकि तो बहुत बेकार लग रहा है मुझे। और मम्मी कंफ्यूज कि सामान कहाँ रखा है, कौन सा। मिलते हैं थोड़ी देर में, थक गई मैं अभी, तो वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कितनी देर में हटेगा, क्योंकि सारा ये बहुत येल्लो हो रहा है, शक्ल ही समझ नहीं आ रही, मैं यू कौन है ना, मम्मी है ना। मम्मी का हेयर कट देखो, बहुत बेकार, बहुत सुंदर, और मम्मी को बहुत पसंद है ये वाला हेयर कट। अच्छा लग रहा है? नहीं,
तो मिलते हैं अभी, देखते हैं क्या क्या होगा। डेवलपर मिला लिया? तो मम्मी मेरे लिए डिनर बना रही है जो मैं हॉस्पिटल में करूंगी। जब से आई परेशान ही करूंगी। किसके लिए? मेरे लिए। अच्छा मेरा दोस्त है वो इसके लिए। वैसे वो पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, चक्कर आ रहे हैं वो तो। सो गाइस टाइम होने वाला है बस और मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तो मम्मी ने खीर बनाई थी तो मैं खीर खा रही हूँ, मन तो नहीं कर रहा। आज मैं एक घंटा भी नहीं सोई हूँ, एक घंटा, और मेरी आँख देख लो। और मेरे देखो बालों का कलर अपना पहले जैसा ही थोड़ा सा न्यूट्रल करा लिया है, हाइलाइट्स ये देखो, बट जितनी भी उससे थोड़ा कम करा लिया, जितना मतलब लास्ट था। और पापा को देखो क्या कर रहे हैं, प्रिंस सो रहा है एंड हियर इज माय मम। पापा ही कर रही है कुछ, पूरी किचन ख़राब हो गई। एंजॉइंग माय खीर। Our elephant is sleeping. देख लो इस एलिफेंट को, पूरा राक्षसों की तरह सो रहा है प्रिंस। और मेरा टाइम हो गया जाने का, सामान पैक हो रहा है एंड मैं जाने वाली हूँ ड्यूटी। ड्यूटी जाने के लिए इतना सारा सामान। अब लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कितना सारा सामान क्यों जाता है अब मेरे साथ। चलो ठीक है, मैं बता ही दूँगी, है ना मम्मी? बता ही देंगे हम थोड़ा सब लोगों को। सब बताओ मैं अब ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता था। बताओ आप शेयर करना कि कौन सा अच्छा लग रहा था। वो अच्छा लग रहा था, ये अच्छा लग रहा था, बट ये कलर मुझे चाहिए था और ये कलर आ गया है हाइलाइट्स में। यही चाहिए था, यही आ गया। और मैंने ये नहा धो के ये ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है, ब्लू। और मैं घड़ी पहनूंगी और फिर दिन में निकलूँगी, बस मिलते हैं बरसते में। रो क्यों रही हो? Why is it so? अरे चल ना, मेगा फट गया आपको सब। चलो चलो चलो, बाय।